नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर लगातार दुनिया में जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी वैक्सीन के खिलाफ इसका लोग विरोध भी बहुत जगह कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन का विरोध पहली बार सामने निकल कर आया है। दरअसल पहली बार दुनिया में जो पहला टीका आया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, उसके बाद से ही, उस दौरान से, यानी ये मैं तकरीबन आज से आपको 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यानी तकरीबन ये 1796 का किस्सा है जब स्मॉल पॉक्स का टीका आया था और उसके बाद लोगों ने किस तरह से विरोध दर्ज कराना शुरू हुआ। यूरोपियन और अमेरिकी देशों में तो हालात ऐसे थे कि माएँ जो हैं बच्चों को लेकर नदियों में कूद जाती थी। हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में इतना डर था। और अभी भी आज आप देख लीजिए, कई मुस्लिम देश इसके खिलाफ हैं। और मुस्लिम देश तो छोड़ दीजिए, सर्बिया भी छोड़ दीजिए, बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया के सबसे शानदार टेनिस खिलाड़ियों में से एक नोवाक डीजोकोविच भी कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन को मैंडेटरी ना करवाया जाए। तो अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में एक डर है। उनका डर धार्मिक कट्टरता की वजह से नहीं है, उनका डर निजी है। उनका ये कहना है कि अगर ये मेरी बॉडी को सूट नहीं हुई तो इससे मेरा करियर तबाह हो सकता है, ये डर है। लेकिन जोकोविच को फिर ये भी समझना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो रिसर्च के बाद सामने निकल कर आई हैं। इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, बॉडी पर ट्रायल्स हो रहे हैं, और इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने इन्हें बनाने में जो है वो एक वक्त लगाया है। तो उस पर भरोसा अगर ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखाएगा जिसके पास एक मास फॉलोइंग है, तो फिर ये गलत संदेश तो ज़रूर जाएगा दुनिया के सामने। इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जर्मनी में 20 साल के एक पायलट ने न सिर्फ इसका जो वीडियो है वो वायरल किया है कि इंजेक्ट किस तरह से हो रहे हैं एयर में, 200 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी लंबी फ्लाइट थी, और उन्होंने बाकायदा आसमान में भी एक आकृति बनाई है जिसको लेकर के वो ये शो करना चाहते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस जो है वो लगातार दुनिया में फैलती रहे। वरना चीज़ें जो हैं वो अगर इसी तरह से सामने आती रहें कि लोग इसका विरोध करते रहेंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम 200 साल बाद आज 21वीं सदी के 20वें साल के आखिरी हिस्से पे खड़े हैं और हम जो है वो अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर हमारे अंदर एक डर बना हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अवेयरनेस कैंपेन्स लगातार दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। और बड़े बड़े नेता खुद आकर वीडियो शेयर कर रहे हैं अपना, चाहे फिर जो बाइडन हो, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, सऊदी के प्रिंस, क्राउन प्रिंस, और इसके अलावा भी लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लगाया, तो उसकी भी तस्वीरें लगातार टेलीवाइज की जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।